Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English spoken class. Hi friends, how are you? Well, friends, in the last class I taught you about the past perfect tense, use of negative, interrogative and question words. And today I will teach you what? Let's watch. Okay? So let's start the class of the day. फ्रेंड्स, अगर आप हमारे रोज का वीडियो रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने सिंस फॉर, यूज ऑफ सिंस फॉर एंड हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल बताया था। तो आज भी मैं वही चीज बताने वाला हूं, बस फर्क इतना है कि हैज और हैव की जगह पर हैड लगेगा, बस इतना ही फर्क है। मीन्स अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ऑफ सिंस फॉर, हैज बीन, हैव बीन अगर आप समझ चुके होंगे तो आज की टॉपिक आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं ये एक वीडियो। Why did you not come to school for 2 days? I had been ill for 2 days. How are you feeling now? I am feeling better, but do you know I had not eaten anything for 2 days? Yes, illness. It happens because I had also not eaten anything when I was ill. Once I had fever, even then I used to eat everything. Yes, it's good. One should eat everything. What doctor advised us illness. Friends, I have decided to start physically exercise from tomorrow. What do you say? Yes, it's very good. We should come to do this. Okay, then done. Yes, done from tomorrow. Okay friends, तो फ्रेंड्स जो ये कन्वर्सेशन करते हुए स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये प्रोफेशनल इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं। अगर उनमें कुछ गलतियाँ होती होगी थोड़ी बहुत तो आप उसको नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं ये, और ये इंग्लिश अभी सीख रहे हैं, बिल्कुल अभी सीखने की अवस्था में है ये लोग, सीख रहे हैं, न कि ये लोग सीख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आपको इसलिए मैं ये वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया मिले, अंदाज़ा मिले कि हम बातें किस तरह से करते हैं इंग्लिश में और किस तरह से कन्वर्सेशन कर सकते हैं हम इंग्लिश में, किस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह के अवस्था में, किस तरह के कंडीशन में और किस तरह की बातों को दर्शाने के लिए हम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर हम आज क्लास में चलते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो एक हम सेंटेंस लेते हैं, वह 4 दिनों से बीमार है। वह 4 दिनों से बीमार है। मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं कंपेयर करते हुए आपको समझाऊंगा कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क था। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता चल चुका होगा कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल और बीन का इस्तेमाल हम कहाँ और किस तरह के सेंटेंस के लिए करते हैं, इसलिए मैं फिर से दोबारा उतना टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए हम डायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं और उसे समझते हैं। ठीक है, वह 4 दिनों से बीमार है, तो उसमें हमने बताया था ही हैज़ बीन इल फॉर 4 days। He has been ill for 4 days. ठीक है फ्रेंड, अब हम लिखते हैं आज का सेंटेंस, वह 4 दिनों से बीमार था। वह 4 दिनों से बीमार था। यहाँ पर इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या फ़र्क है? सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पर था है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हैज़ है वाले सेंटेंस का हम पास्ट बनाते हैं तो उसमें हम हैड लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सिर्फ हैड का चेंजिंग होगा, ही हैड बीन इल फॉर 4 days। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सुबह से व्यस्त था। मैं सुबह से व्यस्त था, तो आई, इसमें यह नहीं सोचना है कि हैड किसके साथ लगाना और हैज, ये हैड वाला है तो हैड हम सबके साथ हैड लगाते हैं। तो आई हैड बीन बिजी since morning. ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी बचपन से ईमानदार थे। तो गांधी जी आप भी अपने मन में बनाते रहो, तो गांधी जी हैड बीन ऑनेस्ट, बचपन से, इसलिए सिंस लगेगा, सिंस चाइल्डहुड। ये चाइल्डहुड जरा छोटे में लिख दिया मैंने, आप समझ जाना, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट वाले हैज़ बीन और हैव बीन, सिंस, फॉर वाले सेंटेंस। और आज का जो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में हम हैड बीन का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, सेम सब कुछ वही है, सिर्फ हैज़ हैव की जगह पर आपको हैड लगाना है और कोई फर्क नहीं है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जो वो टॉपिक जिसमें हमने हैज़, हैव बीन और सिंस, फॉर का इस्तेमाल बताया था आपको, तो आपको ये समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। क्या वह 2 दिनों से अनुपस्थित था? क्या वह 2 दिनों से अनुपस्थित था? तो हैड ही बीन एब्सेंट फॉर 2 days। फॉर और सिंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, हमने अच्छी तरह से उसका वीडियो बनाया था, उसमें बताया था सिंस और यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो नहीं, देख लेना आप जाके, ठीक है फ्रेंड्स। वह शनिवार से कहाँ था? वह शनिवार से कहाँ था? तो वेयर हैड ही बीन, सिंस, शनिवार है, दिन का नाम है, इसके लिए हम सिंस लगाएंगे, सैटरडे, सैटरडे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए हैड बीन का इस्तेमाल और सिंस, फॉर का इस्तेमाल। अभी हम इसमें उस तरह की सेंटेंसेस लेंगे, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बताया था कि समय तो दिया रहेगा उसमें, लेकिन फिर भी उसमें बीन का इस्तेमाल नहीं होगा, कि उसमें समय तो दिया रहेगा लेकिन फिर भी उसमें बीन का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वर्ब होता है और इसमें वर्ब नहीं है। सेंटेंस को आप अच्छी तरह से देखो, इसमें वर्ब नहीं है, इसमें हम वर्ब की जगह पे बीन लगाते हैं। अगर इसमें वर्ब होता, जैसे मैंने बचपन से कार नहीं चलाई थी, मैंने बचपन से कार नहीं चलाई थी, तो इसमें बचपन से कार नहीं चलाना, कार चलाना इज द वर्ब, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए हम इसमें हैड तो लगाएंगे, सिंस, फॉर भी लगाएंगे, बट उसमें बीन नहीं लगाएंगे, ठीक है दोस्त। तो आई हैड Not driven car since childhood, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब होगा, क्रिया, जैसे काम किया था, रहा था, मीन्स रहा था मतलब वह उस घर में 4 सालों तक रहा था, तो he had lived in that house फॉर 4 years। इस तरह के सेंटेंस आएंगे जब उसमें वर्ब हो, तो उसमें हम बीन नहीं लगाएंगे, बाकी सब कुछ लगेगा, सिंस भी लगेगा, फॉर भी लगेगा और हैड भी लगेगा, बट वर्ब का 3rd फॉर्म लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप हमारा यूज ऑफ सिंस, फॉर का वीडियो जाकर देख लो, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑल वीडियो देखो, इसमें हमने हैव बीन, हैज़ बीन और सिंस, फॉर का इस्तेमाल बताया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने उसमें विस्तार से, बिल्कुल ही विस्तार से डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल ही विस्तार से एक्सप्लेन किया है कि सिंस, फॉर और हैज़ बीन, हैव बीन कब और किस तरह के सेंटेंस में लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।